कांग्रेस प्रत्याशी संजय कपूर ने भारतीय जनता पार्टी पर सवाल किए खड़े। यूपी के रामपुर में मीडिया से बात कर कांग्रेस प्रत्याशी संजय कपूर ने भारतीय जनता पार्टी पर सवाल खड़े कर कहा, ये पार्टी गरीब विरोधी है, किसान विरोधी है, नौजवान विरोधी है, व्यापारी विरोधी है, ये कहने में कोई संकोच नहीं है। 71,000 करोड़ का कर्जा माफ करने का काम हमारे यूपीए की सरकार में किया गया। 2014 में जब सरकार बनी एनडीए की, तो बहुत से वायदे किए गए थे, उनमें कोई वायदा उन्होंने पूरा नहीं किया। और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज राहुल गांधी जी ने इस गरीब की तरफ जब देखा है, 25 करोड़ गरीबों को 72,000 रुपये प्रत्येक वर्ष देने का जो घोषणा वचन पत्र में घोषणा की है, उसका विरोध भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये गरीब विरोधी है, किसान विरोधी है, नौजवान विरोधी है, व्यापारी विरोधी है, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा देश की एकजुटता के लिए काम किया है, देश की तरक्की के लिए काम किया है। ये चुनाव जो रामपुर का चुनाव है, इसमें 3 मुख्य तौर पर प्रत्याशी भी सामने आए हैं। जनता ने फैसला करना है कि उसका निर्णय कहाँ जाता है। कुछ लोग भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है। संजय कपूर डट सकता है, झुक नहीं सकता। पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी है और रामपुर की आवाम ने मुझ जैसे छोटे से अपना से सिपाही को 2 बार विधायक बनने का मौका दिया है। मुझे पूरा विश्वास है इस समय का देश का परिदृश्य है, एक आम जनमानस, चाहे वो किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे व्यापारी हो, वो सभी बदलाव चाह रहा है। वो चाह रहा है देश में सुकून रहे, अमन चैन रहे, नौजवानों को रोजगार मिले, व्यापारी व्यापार कर सके, आम जनमानस सुरक्षित रहे। इसके लिए एक बदलाव की भावना है और मुझे पूरा विश्वास है कि चुनाव 2019 का देश में यूपीए की सरकार बनेगी, हमारे राहुल गांधी जी के नेतृत्व में बनेगी। और मुझे पूरा विश्वास है रामपुर की जनता मुझे सेवा का मौका देगी, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी आई हैं वो 2 बार सांसद रही हैं, मगर उनका रामपुर से कितना वास्ता रहा है, कितना ताल्लुक रहा है, कितना उन्होंने काम किया है, मुझे कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं जब जब आवश्यकता पड़ी है, बिलासपुर की जनता को आवश्यकता पड़ी है, तो मैंने उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहने का काम किया है।